हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। लेक्चरल पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में नई वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी देख लीजिए कितना है, पहले बता रहा हूँ। टोटल 119 वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें से जो 119 में 35% रिजर्व है, तो टोटल जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 35% है, तो 40 तो महिलाओं के लिए हो गए। ठीक है, रिजर्वेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो गई लेक्चरर के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या है, मतलब सैलरी क्या है, आप कब से ये लास्ट डेट कब है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, विज्ञापन संख्या जो है 14/2020, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्यात विद्युत अभियंत्रण के कुल 119 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने तो विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर, इस वेबसाइट से अगर किस तरह से फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। लॉग इन करिए, यहाँ सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हर एक कैटेगरी का यहाँ दिया हो कितना पर्त अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए हो गए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBC हो गए, पिछड़ा वर्ग OBC, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है 3 सीट। तो टोटल ऐसे 119 सीट हो गए। ठीक है, और दृष्टि दिव्यांगता के लिए एक है, मुख बाधित दिव्यांगता के लिए एक है, चलन दिव्यांगता के लिए एक है, मनोविकार बहुत दिव्यांग के लिए एक है सीट। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 सीट हो गए। देखिए, वेतन जो है 9A का दिया जाएगा। ठीक है, जो कि वेतन मान क्या 9A है, जो कि 9A है, और सैलरी के 56,100 का प्रवेश वेतन है, 56,100 का। शैक्षणिक योग्यता BE BTEC हो, आप किसी भी IISCET डिग्री, BE BTEC, BS या BSc इंजीनियरिंग जो था इसमें किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, मतलब फर्स्ट डिवीजन कंपलसरी है आपको। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी प्राप्त डिग्री या रुपये मान्य नहीं होंगे। ठीक है, जो आप डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं वो सारे डिग्री मान्य नहीं होंगे। विभागीय संकल्प के अनुसार व्याख्या के लिए MIE 29 उम्मीदवार जिनका MIE में दिनांक तक इनरोलमेंट विद परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है, BE BTEC उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4/9/2020। ठीक है, तो 4/9/2020 जो है लास्ट डेट है, इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है इलेक्ट्रिकल के लिए जो है। अगर इस डेट को आप क्रॉस करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में किसी भी तरह की भिन्नता, किसी अंग्रेजी वर्णित योग्यता ही मान्य होंगे। ठीक है, देखिए उम्र सीमा क्या है, 1/8/2020 को इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदकों की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ठीक है, अब 65 साल में वो रिटायर होंगे, जो लेक्चरर जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। देखिए 65 वर्ष तक वो अपना सर्विस देंगे। अब मिनिमम एज जो है 21 साल जो है 1/8/2020 को हो जाना चाहिए, 21 साल, इससे कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। देखिए चयन का आधार क्या होगा, किस तरह से होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च वर्क, तो इसके लिए 20 मार्क्स का वेटिंग मिलेगा। ठीक है, आपका एकेडमिक का मतलब आपके ये सेमेस्टर वाइज कितने मार्क्स है। ठीक है, रिसर्च वर्क कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए हैं तो टोटल जो 20 मार्क्स है। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिलेगा, और जो 10% ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑप्टेन इन BTEC BE BTEC। ठीक है, मैक्सिमम 5% मार्क्स ऑप्टेन इन BME MTEC। ठीक है, तो PhD जो किए हैं उन्हें 5 अंक मिलेगा। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संकाय के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट GATE का पाठ्यक्रम लागू होगा।
इक्विवेलेंस ऑफ वर्क नॉलेज एंड टीचिंग स्किल थ्रू रिटन टेस्ट, ठीक है, तो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, तो जो गेट का सिलेबस है उसी हिसाब से आपका जो होगा ये मार्क्स होगा, जिसमें देखिए 80 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे, ठीक है, एवं पूर्णांक 40 अंक होगा, ठीक है, 80 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के होंगे, और जो गेट का जो सिलेबस है सेम वही लागू किया जाएगा, इसी बेसिस पर रिटर्न लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू का 15 मार्क्स ऐड है, तो टोटल अगर जोड़िएगा तो 60-75 मार्क्स हो गए ये, और फिर लेक्चर इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऑलरेडी इंगेज है उनको उनके लिए 25 मार्क्स मैक्सिमम दिया जाएगा, तो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। तो जो PhD MA MTech किए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए यहाँ ये जो जो भी आपका डिग्री AICTE से CGPA ग्रेड में है उसको फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज कर बढ़ाना हो, ठीक है, सबका लिए रिजर्वेशन सब कुछ दिया हुआ, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है चाहिए, देखिए जनरल के 40% मिनिमम चाहिए, और जो OBC के पिछड़ा वर्ग है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 34%, सॉरी। देखिए आज जो इंटरव्यू के लिए जो मेन ये रिटर्न में सिलेक्टेड होंगे उसी का साक्षात्कार लिया जाएगा, तो जो ME MTech किए हैं PhD किए हैं और जो BTech सिर्फ किए हैं तो यहाँ लेवल बराबर है, तो आपको अच्छे से ये रिटर्न की प्रिपरेशन करना है, ये नहीं सोचना है कि उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा ज़्यादा तो वही जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिटर्न जो मार्क्स अगर आप अच्छा लाते हैं तो आप जरूर से आपका होगा इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब जो PhD किए हैं वो डायरेक्ट मार्क्स में MTech किए हैं, और जो ऐसा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो ME MTech कर रहे हैं PhD कर रहे हैं जो कि प्रिपरेशन इतना अच्छा है जो कि रिटर्न ही चढ़ जाएंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन है जो कि ये टॉपर के लिस्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जो भी है आप आराम से प्रिपरेशन करिए अच्छे से और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट दे दीजिए। ये पूरा दिया हुआ कि आरक्षण के लिए कैसे कैसे, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है ये सारा यहाँ डिटेल दिया है, EWS EBC हो पिछड़ा वर्ग हो SC हो ST हो सबके लिए, ठीक है, और क्या क्या प्रमाण पत्र लगा देखिए मैट्रिक का स्नातक का वो सारे दिए हुए हैं। तो लास्ट डेट आपको ये ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन देखिए कब से स्टार्ट होगा ये इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन 7/8/2020 से 25/8/2020 तक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम शुल्क मतलब पेमेंट का ऑप्शन जो 28 तक किया जाएगा, ठीक है, 25 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 28 तक पेमेंट का आपको लास्ट डेट है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो 4/9/2020 है, ठीक है, आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधन डाक आवेदन की हार्ड कॉपी हो, और देखिए फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको हार्ड कॉपी को भी भेजना है 11/9/2020 से पहले, ठीक है, जो कि 5 बजे शाम से पहले पहुंच जाना चाहिए, इसके बाद अगर पहुंच रहा है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो अच्छा है कि आप लोग पहले ही फॉर्म फिलअप करके निश्चिंत हो जाइए, नहीं तो हमेशा टेंशन बना पढ़ाई करिए फिर दिमाग में चलते रहे कि फॉर्म भी भरना है, तो इसलिए ये जो फॉर्म फिलअप का हुआ स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप करके ये स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, हार्ड कॉपी आपको फॉर्म फिलअप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा इसका हार्ड कॉपी आता है, डाउनलोड करके और स्पीड पोस्ट कर पोस्ट कर देना है BPSC को, आपको एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यही दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद क्या क्या करना है, देखिए कौन से एड्रेस पे भेजना है, तो ये जो बिहार लोक सेवा आयोग BPSC का जो एड्रेस है बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 80001 पे इस एड्रेस से आपको लिख कर और अपना एड्रेस लिखना है लोकल और भेज देना है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं ये सारे जो भी आप डालिए वही ये हार्ड कॉपी लगा के भेज देना है,
और जो डॉक्यूमेंट आप लोग भरिएगा तो अच्छे से भरिएगा, ये ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक मतलब फॉर्म फिलअप में हो जाए कि परसेंटेज गलत हो। अगर कुछ गलत होगा तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार, इसके लिए आपका कैंडिडेचर जो होता है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए अच्छे से फॉर्म भरना है, ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करना है कि 7 से आपका पोस्ट खुला है, आज 5 है तो परसों से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। फिर रजिस्ट्रेशन करिए, फिर पेमेंट भी कर लीजिए, फिर फॉर्म फिलअप करके हार्ड कॉपी निकालना है आपको, बीपीएससी के जो एड्रेस है ऑफिस वहाँ पे भेज देना नेहरू मार्ग, ठीक है। तो यही है, और गाइस कोशिश करूँगा मैं आप लोग के जो हर एक जैसे ब्रांच का आज इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल के भी अभी आने वाले हैं, सिविल के भी जल्द से नोटिफिकेशन रिलीज हो गए, ठीक है। तो कोशिश में मैं इसका सिलेबस जो है गेट का तो साफ दिया हुआ है कि जो गेट का जो सिलेबस है उसी पैटर्न पर जो आपका रिटर्न लिया जाएगा, ठीक है। तो गेट का पैटर्न तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो अगर होगा तो ऐसा मैं गेट का जो सिलेबस है एक बार ये ओवरव्यू दिखा दूंगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सारा कुछ मैं बता दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो गाइज थैंक यू।